आज का टॉपिक है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन और रिडक्शन ऑफ द मॉर्टेलिटी रेट और एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जिसमें कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेल्प से, और ये स्टार्ट किया गया था इनटू 1952 में। और ये क्या है, एक जैसे कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1952 में, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, और तब इसका नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एंड देन इसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया, रीडिज़ाइन करके इसको अगेन लॉन्च किया गया इन द 1977, जिसका नाम था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें क्या किया गया था, जिसके कॉन्सेप्ट थे कि एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना है, लिटरेसी के लेवल को बढ़ाना है और एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करनी है, मदर एंड चिल्ड्रन केयर प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ इनके जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइडेंस एंड वुमेन वेलफेयर विद अर्नड राइट्स, यानी कि जो वुमेन की वेलफेयर के लिए और उनके राइट्स के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि शेल्टर भी प्रोवाइड करवाया गया और सेफ ड्रिंकिंग वाटर से, शेल्टर मतलब जो रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाया गया, और इसमें इसके अलावा जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर था वो प्रोवाइड करवाया गया, एंड जो वाइटल फैक्टर्स थे यानी कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि नॉर्मल हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया गया था बाय द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एम्स के बारे में, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसके एम्स थे प्रोवाइड मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ, यानी कि जो मदर और चिल्ड्रन हैं उनको बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ प्रोवाइड करनी है। इसके साथ ही साथ इंक्रीज फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी कम्युनिकेबल डिसीजेस थी या जो भी डेंजरस मेजर जो डिसीजेस थी उनके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है उनके लिए और उनकी प्रिवेंशन करनी है। इसके अलावा था प्रमोट अडॉप्शन ऑफ द स्मॉल फैमिली साइज एंड नॉर्म्स, यानी कि जो फैमिली का साइज़ है वो कम करना है और जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हैं उनको बढ़ाना है, जिससे क्या हो सके कि अगर फैमिली साइज़ कम होगा तो क्या होगा कि पॉपुलेशन का कंट्रोल होगा। तो बेसिक जो था इसका कि पॉपुलेशन को कम करना है बाय द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बाय द सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो नेक्स्ट था एडिक्यूट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विद ईजी रीच, यानी कि जो कपल्स हैं उनको ईजिली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो हैं वो मिल सके, ईजिली मिल सके और क्या हो सके कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हेल्प से जो है फैमिली प्लानिंग की जा सके और जो नॉर्मल जो स्मॉल साइज़ है फैमिली का वो उनके नॉर्म्स को ख्याल में रखा जाए। नेक्स्ट था हेल्थ एजुकेशन एंड स्कूल हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन दी गई मदर्स के लिए एंड चिल्ड्रंस के लिए, जो कि न्यूबॉर्न केयर है, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर है उनके लिए, और जो फीमेल्स हैं यानी कि उनकी बेटर डिलीवरी हो सके, टाइम पर उनको फैसिलिटीज़ मिल सके, सर्जरीज हो सके और बेटर ट्रीटमेंट मिल सके डिसीजेस के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया था, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई थी। साथ ही साथ स्कूल हेल्थ यानी कि जो स्कूल में जो भी बच्चे हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, उनकी हेल्थ को लेके जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जिनके अंडर उनको बेटर न्यूट्रिशन और बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट था ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, क्या किया गया कि जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, जिससे कि अगर वो लोग ट्रेन होके ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है केयर प्रोवाइड कर सकें और इसके साथ उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि वो जो डिसीज़ कंडीशन से प्रिवेंट हो सके, इसके साथ ही साथ उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, और उनके साथ ही उनको क्या किया गया था जिससे कि वो एक बेटर लाइफ दे पाएँ दूसरों को कम्युनिटी एरियाज़ में, PSC CSC लेवल्स पर, और लोगों को जागरूक कर सकें। नेक्स्ट था IUD इंसर्शन, यानी कि जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं उनके इंसर्शन के लिए इस प्रोग्राम के तहत इन चीज़ों को बढ़ाया गया था, जैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उनका यूज़ किया जाए तो इससे जो फैमिली साइज है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे इसमें एम्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ की। तो इसके गोल्स और स्ट्रेटजीज़ थी जैसे कि डिक्रीज बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है
उनको डिक्रीज़ करना है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं तो जिससे कि बेटर फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कम पॉपुलेशन होगी तो उनके लिए बेटर एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस डेथ रेट, यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको डिक्रीज़ करना है। रिडक्शन ऑफ फैमिली साइज, फैमिली साइज जो है उनका रिडक्शन करना है, उनको कम करना है, जिससे कि क्या हो सके, बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकें लोगों को। नेक्स्ट, डिक्रीज इन्फेंट मॉर्टेलिटी, यानी कि जो इन्फेंट जो जन्म दर, जो मृत्यु दर है उसको क्या करना है, कम करना है। मॉर्टेलिटी रेट यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो शिशु जो डेथ रेट है उसको कम करना है। नेक्स्ट, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, यानी कि जो डिलीवरी के टाइम पर ऑब्स्ट्रक्टिव जो है केयर प्रोवाइड की जा सके 24 आवर, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो और जो डिलीवरी है वो बेटर तरीके से हो सके, इसके लिए क्या किया गया था, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट, 24 आवर डिलीवरी सर्विस एट PSC एंड CSC, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर क्या किया गया था, 24 आवर ऑब्स्ट्रक्टिव केयर के लिए, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट, MTP फैसिलिटी, यानी कि मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका क्या किया गया था, इसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, जिससे कि जो मल्टीपल टर्म जो प्रेगनेंसी है वो किया जा सके, यानी कि MTP एक्ट को किया जा सके। नेक्स्ट है, इंक्रीज एज ऑफ मैरिज, और क्या किया गया था, जैसे कि जो मैरिज रेट है, यानी कि जो मैरिज के लिए जो एज है उसको बढ़ाया गया था, जिससे कि क्या हो सके, जो हेल्थ है वो ठीक रह सके। अगर अर्ली एज में शादी होगी तो जिससे क्या हो सकता है, अर्ली मैरिज की वजह से जो बर्थ रेट है, जो इन्फेंट बर्थ रेट है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम मिल सकेंगी। इसलिए क्या किया गया था कि जो नेक्स्ट, जैसे कि जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाया गया था, जिससे क्या हो सके, बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके, साथ ही साथ क्या, एजुकेशन का ख्याल रखा जा सके। और अगर जागरूक लोग होंगे, जैसे कि इंक्रीज रेट होगी, तो उससे क्या हो सकता है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो मदर में जो भी डिसीज कंडीशंस हैं उनको, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस हैं जो, उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन एंड असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यानी कि जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेस हैं, जो डेंजरस डिसीजेस हैं, उनकी रेट को कम किया जा सके और बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके डिसीजेस से। नेक्स्ट था, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यानी कि जो न्यूबॉर्न है उसको असेंशियल केयर प्रोवाइड की जाए, जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में बताया गया, और उनको जितनी भी असेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो होती हैं, जैसे कि कैसे बेबी की केयर करनी है एट द स्टार्टिंग, तो वो सारी चीज़ों को, वो सारे फैसिलिटीज़ इसके अंडर प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट, डायरियल डिसीज़ कंट्रोल एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो डायरियल डिसीज़ है, जो मेनली जो बच्चों में पाई जाती है, तो क्या किया गया था, तो बच्चों के लिए ये जो डायरियल डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स तय किए गए थे। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स के बारे में मदर्स को बताया गया था कि किस प्रकार आप जो नॉर्मल जो बेस्ट जो टेक्निक्स होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, तो वो आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बेबी को बेटर जो ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं और उसकी हंगर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट था, इम्प्रूव लिटरेसी, यानी कि जो साक्षरता जो स्तर है, साक्षरता का यानी कि जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाना है, लिटरेसी रेट बढ़ानी है, जिससे क्या हो सके, बेटर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर जागरूक होंगे लोग तो वो लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर सके, जिससे क्या हो सके, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। इसके अलावा अगर वो लिटरेट होंगे तो उन लोग को ये सारी चीज़ों के बारे में समझ आएगा, वो जल्दी ही जागरूक होंगे, जिससे क्या हो सके, उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल सके, उनका डिसीज़ का प्रिवेंशन हो सके, उनको एक बेटर लाइफ मिल सके और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उनको मिल सके, जिससे कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो आज हमने पढ़ा था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जो स्टार्ट किया गया था इन दी 1952 में, और इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करके 1977 में स्टार्ट किया गया था, जिसको नाम था नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम।
और ये जो है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो था कि लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छे से हो सके और जो हेल्थ का स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ उनको बेटर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो डिसीजेस हैं उनकी रेट कम हो सके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस टॉपिक के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंकों को क्लिक करके ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।